हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आपको अपने आइल्स लिसनिंग ऑडियो में अक्सर सुनने को मिलते हैं ये वो वर्ड्स हैं जो सेक्शन फोर का पार्ट होते हैं सेक्शन फोर यूजुअली रिलेट्स टू अ कॉन्वर्सेशन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ अ यूनिवर्सिटी लेक्चर इट इज़ अ मोनोलॉग दैट इज़ अ लेक्चर विच इज़ बीग डिलीवर्ड एट लार्ज नाउ जब आप यूनिवर्सिटी लेक्चर या किसी ट्रेनिंग लेक्चर की बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारे पैक्यूलियर प्रोफेशनल वर्ड्स देखने को मिलते हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दीज वर्ड्स यू नो द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड द डिफरेंट वेज इन विच दीज वर्ड्स कैन बी यूज इन अ कॉन्वर्सेशन जब आपको इन वर्ड्स के साथ ऑलरेडी बिफोर हैंड फमिलिटी होगी तो आपके लिए इनको की वर्ड्स की तरह यूज़ करके क्वेश्चन को मनूवर करना और आंसर्स को मार्क करना बहुत ईजी हो जाएगा सो लेट्स बिगिन सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अक्सर अपने कॉलिग्स के साथ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं ये सारे ही वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं इनकी स्पेलिंग मिस्टेक होना बहुत आसान है सो आई नीड यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू देम। यू नीड टू नो हाउ दे आर यूज एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप जेड की जगह एस भी यूज कर सकते हैं फिर आता है स्पेशलिस्ट प्रोफेसर थोड़े से इसके स्पेलिंग डिफिकल्ट हैं सो प्लीज़ मार्क इसमें डबल एस आता है ना कि डबल एफ़ प्रोफेसर के बाद आता है लेबॉरेट्री नाउ देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड लेबॉरेट्री फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन लोग इसको लेबरेट्री भी कह देते हैं बट इसकी जो स्पेलिंग है वो हमेशा लेबर एटरी ऐसे ही रहती है उसके बाद क्वेश्चन नीयर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इनफैक्ट आपको सेक्शन थ्री में भी ये सुनने को मिल सकता है सो क्वेश्चन एयर काफ़ी बड़ी स्पेलिंग है प्लीज़ मेक श्योर आप इसको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले खुद ही प्रैक्टिस कर लें इसमें डबल एन आता है उसके बाद लीडरशिप लीडरशिप नाउ रिमेंबर जब आप किसी नेटिव को ये वर्ड बोलते हुए सुनेंगे ऑडियो में तो हो सकता है उसके लिए आर साइलेंट हो और वो इसको प्रोनाउंस करे लीडरशिप बट रिमेंबर जब आप इसको अपने आंसर शीट में मार्क करेंगे तो इसमें आर भी आएगा लीडरशिप के बाद वर्ड आता है मैनेज मिनट ये तो रिलेटिवली ईजी वर्ड है बट रिमेंबर अगर आपने अपनी स्पेलिंग गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन या आंसर भी गलत हो जाएगा और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आता है फैकल्टी बैचलर्स रेफरेंस रिमेंबर रेफर के बाद ई e आएगा और फिर आएगा एन सी ई उसके बाद आता है वर्ड लेक्चर बहुत ही कॉमन वर्ड है सिमिलरली बहुत ही कॉमन वर्ड है ट्यूटर आफ्टर नोइंग वो कौन सी वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में या अपनी यूनिवर्सिटी लेक्चर में सुन सकते हैं और हमें ऑडियो में भी सुनने को मिल सकते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं जो सेक्शन फोर में आपको सुनने को मिल सकते हैं नाउ रिमेंबर ये वर्ड्स सुनने में तो फेमिलियर लगेंगे बट जब आप इनको स्पेल करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप इनकी स्पेलिंग को गलत कर दें सो आई वॉन्ट यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और बायोलॉजी एंड बॉटनी कॉमर्स और कमर्स इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्पेलिंग इंजीनियरिंग की है रिमेंबर आप पहले इंजन लिखेंगे और फिर एयरिंग लिखेंगे ई आर आई एन जी इंजीनियरिंग उसके बाद आता है मार्केटिंग, आर्किटेक्चर रिमेंबर अगेन ये एक पेक्यूलियर स्पेलिंग है इसको गलत मत लिखिएगा आर्किटेक्ट के बाद आप लिखेंगे यू आर ई आर्किटेक्चर फिर आता है जोग्रफ़ी मैथमैटिक्स मैथमैटिक्स आपको अगर सुनने को मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप मैथमैटिक्स ही लिखते हैं इन केस आपको लगता है कि आपकी मैथमैटिक्स की स्पेलिंग सही नहीं है तो आप इसकी जगह मैथ्स भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है प्रोनाशिएशन में बट ध्यान रखिएगा कि द वर्ड इज़ इकोनॉमिक्स उसके बाद आर्ट एंड कल्चर नाउ फ्रेंड्स ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट एंड ऑफ द लिस्ट दैट इज दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पिक्यूलियर वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं जो एजुकेशन से या यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड है

नाउ कंट्रीज़ के नाम स्पेल करने में सबसे ज़्यादा गलती होती है सो आई सजेस्ट दैट आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक मैप लें वर्ल्ड मैप लें और हर कंट्री को वर्ल्ड मैप पे देखें उसकी स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ें ताकि आप फेमिलियर हो जाएं सारे नेम्स के साथ स्पेलिंग्स के साथ और एग्जामिनेशन में उनको सही तरीके से लिख सकें हेयर आई हैव यू सम कंट्रीज नेम्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस अंडरस्टैंड एंड स्पेल सबसे पहले तो स्विटरलैंड नाउ स्विट्जरलैंड को लोग स्विट्जरलैंड भी कहते हैं या स्विट्जरलैंड भी कह देते हैं इन दोनों में ही स्पेलिंग का कोई फ़र्क नहीं होता बट सिर्फ प्रोनासीशन का फ़र्क है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है अंटार्टिका नाउ रिमेंबर अंटार्क्टिका में आर ऑलमोस्ट साइलेंट है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्पेलिंग में भी इसको साइलेंट कर दें यू हैव टू राइट इट करेक्टली इन ऑर्डर टू गेट द राइट मार्क फॉर इट उसके बाद है यूरोप यूरोप को भी प्रनाउंस करने के काफ़ी तरीके हैं अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट इसको रिकोगनाइज़ करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता यूरोप उसके बाद कुछ नाम हैं जो इंग्लिश सिटीज़ या स्टेट्स पे बेस्ड हो सकते हैं स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के नाम यूनिवर्सिटीज़ का नाम अक्सर उनकी सिटी या स्टेट के ऊपर ही बेस्ड होता है फॉर एग्जाम्पल एडिन बर्ग या फिर When, sir. या फिर इसकी जगह नाम हो सकता है ऑन टारियो इसकी जगह नाम हो सकता है विनी पेग सो ये सारे नाम सिटीज या स्टेट्स के आपको ध्यान में होने चाहिए मेक श्योर दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ टेस्ट सो दैट आप एग्जामिनेशन हॉल में इन वर्ड्स को रिकोगनाइज कर सकें ये तो थे सेक्शन फोर के मोस्ट कॉमन वर्ड्स स्टेट ट्यून्ड हम आपके लिए लाएंगे और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इन द फ्यूचर